गुरुजन के सामने, ब्राह्मण जन के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने कभी मत कहना कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। कभी मत कहना। गुरुजन के सामने शून्य बनकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता। घर के बड़ों के सामने जाना तो शून्य बनकर जाना कि मुझे कुछ नहीं आता। जो ज्यादा समझदार बनकर जाता है ना, सबसे ज्यादा काम उसी को संभालना पड़ता है। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार एक पगली। आप उसमें से कौन सी हो हमको नहीं मालूम, पर कल कथा में हमने कहा था कि जितने भी बैठे हैं सब पागल ही हैं, तो पगली बहू हो गए। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार एक पगली। जो समझदार बहू होती है ना, घर में शादी आती है तो सारा काम वो संभालती है। मम्मी जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मामा जी आया कि नहीं आया, काका जी ने भोजन करा कि नहीं करा, अभी तक फूफा जी तो आए ही नहीं। बेचारी काम में लगी रही लगी रही लगी रही लगी रही, और उधर बैंड बाजा बजता रहा, लोग माता पूजने चले गए, और ये घर में ताला कुची लगाती रह गई। बेचारी काम करते करते चाबी लेके दौड़ी, फिर याद आया कि पूजन में माता जी की चुनरी तो घर में ही रह गई, फिर भागी, फिर चुनरी लेके आई। ये समझदार थी ना, इसलिए बार बार इसको जाना पड़ रहा। समझदार थी ना, इसलिए बार बार काम करना पड़ रहा। और एक घर में बहू ऐसी होती है जिसमें अकल नहीं होती। लोग कहते हैं हमारी छोटी बहू में तो बिल्कुल अकल नहीं, ये तो पगली है। जो पगली है वो माता पूजन में सज धज के खजूर वाली चोटी बना के नाचे कूदे एंजॉय करे। सबसे ज्यादा एंजॉय वो ही करती है जो पगली होती है। अब तुम कौन सी हो?